जी श्रीमान जी, आप जैसे अभी उज्जैन से आए हैं जी, हाँ, तो आप क्या देख के किस विषय में आए हैं? सर, इनका एक वीडियो आया था जी फेसबुक पे मेरे फ्रेंड के माध्यम से जी। मैंने वो वीडियो देखा, उसके बाद मैंने को लगा कि जाके एक बार देखा जाए। आपने वीडियो देखा, जैसे कि प्रशासन के लोग और TI का स्टेटमेंट आया है कि ये थोड़ा सा डिप्रेशन में है या साइको है, तो ऐसा आप मिले हो ना इनसे? मैं इनसे मिला हूँ, बात हुई। आप भी मिले हो इनसे? आपको ऐसा लगा है कि ये डिप्रेशन में है या साइको है या कोई पागलपंती का इनको कोई प्रॉब्लम है? गलत बात है ना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप किसी को परेशान करोगे तो वो तो डिप्रेशन में आने ही एक चीज जरूर कहूंगा कि ये डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन इसको डिप्रेशन में लाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किसके द्वारा हो रही है? जैसे बता रहे थे नगर निगम की गाड़ी वगैरह भी आई है, नगर निगम की गाड़ी से लोकल लोग इनको परेशान कर रहे हैं, लोकल छोटे भैया नेता जो भी होंगे। ठीक ठीक। जैसे प्रियंका जी, आप भी अभी आई है यहाँ पे, तो आपको मिलकर ऐसा लगा है कि कुछ है ऐसा? मुझे वो तो डिप्रेशन में नहीं लग रहे, लेकिन जो अधिकारी बोल रहे हैं वो जरूर डिप्रेशन में लग रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिप्रेशन में होती तो इतने डॉग्स को नहीं रख रही होती वरना उनकी सेवा कर रही होती। हमारे साथ अभी प्रमोद जी, बताया आप अभी मिले हैं इनसे? फर्स्ट बार मिल रहे हो? जी फर्स्ट बार मिला हूं। आपको ऐसा कुछ लगा इनका बिहेवियर के जो प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि ये झूठी है या इनके कुछ मेंटली प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेरे मिलने के बावजूद मुझे किसी प्रकार से ना तो ये मेंटलिटी लगते हैं। आप कैसे आए यहाँ पे, क्या अवगत कराया था आपको? मेरे को यह अवगत कराया गया था, कॉल आया था आज कि इनको नगर निगम द्वारा परेशान किया जा रहा है और जो कुत्ते हैं नगर निगम द्वारा इनके ले जाए जा रहे हैं। तो मेरे पास कॉल आया था, तो मेरी टीम वुमन सिक्योरिटी फोर्स से आया हूँ, मैं प्रदेश महासचिव हूँ और मेरी पूरी टीम के साथ आया हूँ मैं आज, और बजरंग सेना से भी हूँ। तो आपको ऐसा लगा इनसे मिलके या देख के कि इनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रशासन के लोग बोल रहे हैं, TI का जैसे स्टेटमेंट आया था? नहीं नहीं, मेरे मिलने से लगा है कि इनको प्रशासन सता रहा है और नगर निगम सता रहा है, आगे लेके प्रशासन के लोग ही इनको पागलपंती का प्रेशर कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक ठीक, क्योंकि एक सेवा कर रहे हैं। ठीक ठीक। जैसे कि हमारे लोग हमारे साथ और साथ खड़े हैं, जैसे कि दीदी हैं, दीदी आप अभी बगल में रहते ना इनके, तो आपको अभी सूचना मिली नगर निगम के लिए? बिल्कुल आई इन सबको भी, इन लोगों को अलग अलग। तो आप काफी समय से जानते हैं, कब से जानते हैं इनको? मेरे को हो गया एक साल से, तो मेरी जो मेड जान रहे ना बिल्कुल, मेरे काम करती बताती थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक साल में आपको ऐसा कुछ लगा कि थोड़ा सा जैसे नगर निगम के और प्रशासन के लोग जो TI का स्टेटमेंट आया था कि ये साइको है या ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं लगा। देखिए, आपके घर के दो कुत्तों को भी कोई बदतमीजी से बात करेगा तो आप अग्रेसिव हो जाओगे। इनके तो 40 है, उनको खुद को खाने पीने का होश नहीं है। मतलब मान लिया जाए कि जो TI ने और ये जो प्रशासन के लोग आरोप लगा रहे हैं, सरासर गलत लगा रहे हैं और इसको डिप्रेशन में कर रहे हैं, ये जितने डॉग्स हैं ना जो अबेंडन है, जो अभी लॉकडाउन में हुए, उनका ख्याल रख रही हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रही हैं, उनके खुद के अपने डॉग्स हैं, अभी 40 डॉग्स उनके पास जी। और इतने साफ सुथरे हैं, मतलब जो हर एक घाव नहीं, एक घाव नहीं किसी को, और बोलती है कि मैं हर 10 दिन में सबको नहलाती हूं, दिख रहा है वो हमको। ठीक है, जैसे कि सभी लोग यहां पे खड़े हैं, मैडम की राय जानेंगे। मैम, आपको अब इनसे मिले हो, कैसा लगा आपको? मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे थे जो वायरल हुए थे, तो मैं भी डॉग लवर हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत हर्ट हुआ। मेरे पास भी एक बच्चा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा ना कि कोई मेंटली प्रॉब्लम में है या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा है। बिल्कुल मेंटल प्रॉब्लम का इशू कहाँ से आ रहा है? जैसे कि TI का बयान आया था, ऐसे मेंटल प्रॉब्लम कोई अगर TI बन के बैठा है तो अगर वो उसके बोल देने से कोई मेंटल, वही जान, देखो क्या है, क्या है कि सोशल मीडिया पे TI का जो स्टेटमेंट था ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट TI का, क्या उन्होंने मेडिकल प्रूफ, आप किसी को साइको बोल नहीं सकते हैं, राइट है? No, she's just too आपकी राय ये है कि आप इनसे मिले हैं yeah. तो आपको लगा ऐसा कुछ जैसे स्टेटमेंट में दिया? ये इम्पोर्टेंट है देखना जी। मुझे नहीं पता कि मैटर में कौन सही है कौन गलत है, मुझे ये पता है कि अगर ये 40 डॉग इतने हेल्दी हैं, इनको कोई इंजरी नहीं है, ये इतना वैक्सीनेशन करा रही है, इनके ट्रीटमेंट करा रही है, दैट इज इनफ। अच्छे से अच्छे शेल्टर वाले लोग नहीं रख पाते, और ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है अगर अथॉरिटी में से कोई ये बोलता है। नहीं, इन्होंने ऐसा इल्जाम भी लगाया इनके ऊपर कि ये किसी से पैसा मांग रही है, पैसा लूटने का काम भी चल रहा है। आपसे ऐसा कुछ हुआ है? जैसे आप एक साल से मिले हुए हैं इनसे, तो आपसे कभी इन्होंने कुछ बोला ऐसा? ऑनलाइन काम कर रही है, जितना कमा रही है वो इनमें लगाती है, खुद इतना सिंपल लिविंग है, खाने के इनके होश नहीं है, कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर हम इतने ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे लोग अगर डोनेशन दे सकते हैं, तो अगर कोई इनको भी देता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम? ठीक ठीक। आप मिले हो? बिल्कुल। ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ही जिस तरह से डॉग का ध्यान रख रही है, ऐसा तो मतलब मैंने देखा। जैसे साक्षी जी कल पंकज
रंजानी जो है नमो नमो शंकरा के भी अध्यक्ष हैं और सांसद प्रतिनिधि भी है, वो आए थे आपके पास, तो उन्होंने आपको बोला था कि अब आपको डॉग से कुछ नहीं होगा, जैसे कि दीदी भी बता रही है कि शंकर ललवानी के द्वारा रुकवा दिया गया था, तो वो क्या बोल के गए थे आपको? पहली बात तो शंकर ललवानी के द्वारा क्या रुकवा दिया गया था, क्या किसी पॉलिटिशियन को ऐसी अथॉरिटी भारत का संविधान देता है कि आप किसी के पले पले बच्चों को उठा लो? आप पॉलिटिशियन हो, राइट, आप कुत्ते उठाने के ऑर्डर कब से देने लगे? उन्होंने रुकवा दिया था ऐसा हमको सूचना मिली। ऐसा ऑर्डर पास ही क्यों कर दिया किसी नेता ने? नहीं, नगर निगम के लोग आ रहे थे उनको उठवाने के लिए, तो उन्होंने उनके प्रतिनिधि भेज के उनको रुकवाया है। देना जरूरी है, हाँ। नगर निगम को कोई और है तो पहले उनको नोटिस देना जरूरी है। पब्लिकली डिक्लेयर यहाँ पे कर रही हूँ, कुत्ते जो है ना वो मेरे नहीं है, मैं सिर्फ उनकी केयर टेकर हूँ, राइट है ना। शिवना मैम ने उनको अडॉप्ट कर लिया है, मैंने अडॉप्ट किया है एंड शी इज ओनली टेकिंग। अगर प्रशासन को लगता है मैं फेंकू ये हूँ वो, मुझे उठाओ। आपका परिचय तो मैं? का क्या मतलब? मैं शिवना, मिसेस शिवना नागपाल जी, और मैंने ये सब डॉग अडॉप्ट किए हैं और साक्षी को मैंने केयर टेकर रखा है एज अ, तो वो सिर्फ उनको केयर कर रही है एंड ओनर मैं हूँ, आई एम द ओनर ऑफ द डॉग्स। नहीं, जैसे कि इल्जाम लग रहा है इनके ऊपर जो वो के साइको, इल्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक पता नहीं था कि ओनर कौन है, तो इसी को ओनर समझा जा रहा था, तो एक्चुअल में आई एम द ओनर और वो केयर टेकर है, तो वो इसलिए इल्जाम सब गलत हैं जो भी इस पे लगाए जा रहे हैं। एज पर द लॉ शी इज द ओनर, मेरे कुत्ते नहीं हैं, आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ देम। अगर मैंने कहीं पर चोरी की है तो मुझे चोरी के लिए उठा के ले जाइए, इनके कुत्तों के नौकर ने चोरी की तो उसके लिए इनके कुत्ते उठा के ले जाएंगे, नहीं ना? डॉग्स की तो कोई गलती नहीं है, उनको क्यों उठाया जाए और किस बेसिस पे उठाया जाए? प्रशासन तो ये कह रहा है इनको, मेन बात मैं क्या करार करना चाह रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और जो टीआई का स्टेटमेंट आया था कि ये मेंटली प्रॉब्लम में है, ऐसा कुछ सभी का बयान हमने नोट किया है और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है हमको, क्योंकि सर आंसर गलत है, और इसको मेंटली प्रॉब्लम में नहीं, इसको डिप्रेशन में लोग डाल रहे हैं। जैसे नगर निगम के कुछ लोग आए थे अभी डराने चमकाने के लिए कि हम कुत्ते उठाने, और इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। टीआई साहब को खुद भी तो आना चाहिए ना एक बार, अगर इस तरह की कोई बात है तो क्लेरिफाई करें नगर निगम। टीआई साहब को अपनी सीट से उतर के एक बार यहाँ देखने आना चाहिए खुद भी। हाँ, और प्रशासन के लोगों से मेरी अपील भी है कि आप यहाँ आए, आकर देखें, बैठकर कोई भी बात ना करें, ठीक है? और कोई अपनी राय देना चाहे तो बोल सकते हैं। मेरी है, मैंने यहाँ की एक चीज़ महसूस करी है जी, कि अगर ये साक्षी यहाँ पर जर्मन सेफर्ड लेबराडोर के कुत्ते पाल के उनका व्यवसाय कर रही होती है, तो ये प्रशासन के लोग जो इसको पागल बोल रहे हैं वो एक काले रंग के कुत्ते खरीदने आए हैं, राइट? तो बिजनेस करने वालों को तो आप प्रमोट कर रहे हो, तो जो एक आपकी समस्या बड़ी है डॉग्स की, रोड की, स्ट्रीट डॉग की, तो समस्या से शासन की मदद ही कर रही है उनको शेल्टर होम दे के, वो पागल है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है।